नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो दूसरे कंपनीज के साथ एक बहुत बड़ा डील किया है। तो आज का जो कंपनी है, जो दो कंपनी है, वो कौन सा है मैं पहले बता दूँ। एक है HDFC बैंक, जो एक प्राइवेट बैंक है। दूसरा है IRCTC, तो आप सभी जानते हैं एक रेलवे कैटरिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो HDFC बैंक और IRCTC, इस दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर बहुत बड़ा एक काम करने वाला है, जिसके चलते हुए दोनों कंपनी का ही फायदा मिलेगा। अभी इस दोनों कंपनी कौन सा काम करने वाला है उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन, न्यूज, अपडेट सब कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, आप इस मतलब चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं इस न्यूज के डिटेल्स के बारे में। तो मैं पहले बता दूँ, दो कंपनीज के बारे में एक IRCTC, दूसरा है HDFC बैंक। आप कहेंगे सर, एक बैंकिंग स्टॉक और एक रेलवे स्टॉक, दोनों में ऐसा क्या लिंक है, दोनों में ऐसा क्या लिंक करने वाला है इसके चलते हुए दोनों कंपनी को फायदा होगा। तो चलो उसी के बारे में तो यहाँ पे बातचीत करूँगा, उसी के बारे में तो यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना तो बहुत कुछ अपडेट यहाँ पे मिलेगा। देखिए, बैंक से आपको बहुत बार शायद फ़ोन भी कर चुके होंगे, बहुत बार आपको कन्विंस भी किए होंगे कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ऑफर मिलेगा, बहुत डिस्काउंट मिलेगा, बहुत लिमिट मिलेगा, बहुत कुछ आपको बोल चुके हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास क्रेडिट कार्ड भी है, बहुत सारे दोस्तों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। अगर गलती से बहुत मतलब ख़राब सिचुएशन के हिसाब से क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए। अगर आपका मतलब कोई हॉबी बन गया है कि मैं क्रेडिट कार्ड से माल खरीदारी करूं और उसके बाद पैसा मिटाऊं, तो आपका सिनेरियो तो ठीक ठाक है, मगर आपका बैंक अकाउंट में अगर पैसा ही नहीं है तो आप इस तरीके से काम मत करिएगा। तो मैं इस तरीके से चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि HDFC बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है, आप जानते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इसके ऊपर बैंड लगा दिया गया था RBI के माध्यम से। वो क्रेडिट कार्ड नया इशू नहीं कर पाएंगे, तो उसका फ़ायदा ICICI बैंक को, SBI बैंक को मिल चुका है। तो अभी इसका क्रेडिट कार्ड का जो इशू है वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट सॉर्ट आउट हो चुके हैं, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बना के आपको दिया था। तो आज से मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में ही बात करूंगा। तो क्रेडिट कार्ड से IRCTC का क्या ताल्लुक है, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को मैं आपको ध्यान से इसीलिए दिख रहा हूँ क्योंकि ये जो एक मशीन्स है जो आपको दिख रहा है, आप देख सकते ध्यान में क्या लिखा है, HDFC और IRCTC। तो एक सिंबल दिया गया है किसका, HDFC का और IRCTC का। तो यहाँ पे देखिए, रुपए प्लैटिनम जो मतलब जो सॉरी रुपए जो कार्ड है वो एक एक क्रेडिट कार्ड है जो IRCTC के साथ लिंक है। तो इस तरीके से IRCTC के साथ लिंक करके क्रेडिट कार्ड क्यों दिया जा रहा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से इस न्यूज को देखना, न्यूज पब्लिश किया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। मैं पूरा क्रेडिट बिजनेस स्टैंडर्ड को दूंगा अच्छा खासा न्यूज पब्लिश करने के लिए। तो चलो पूरा डिटेल्स माजरा क्या है वो आपको समझा देता हूँ। आप देखेंगे HDFC फर्स्ट, इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जो टाई अप किया है विथ IRCTC और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, इसका फायदा क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे तो अर्लियर IRCTC हैज ओनली पार्टनर विथ SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब पहले से ही IRCTC पार्टनरशिप कर चुके थे SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, दिस ट्रैवल सेगमेंट ऑफ द कार्ड। तो अभी वो तो SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा कौन सा बैंक था, PSU बैंक, मतलब गवर्नमेंट बैंक था। अभी फर्स्ट टाइम कोई प्राइवेट बैंक उसी सेक्टर के ऊपर एंटर होने वाला है। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो कार्ड है, ये जो कार्ड का जो पिक्चर दिया गया है, एक साइड में लिखा गया है HDFC, दूसरे साइड में लिखा गया है IRCTC,
और वो कार्ड का नाम क्या है, रुपे कार्ड। तो आप इस कार्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इंडियन लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक वेडनेसडे के दिन अनाउंस ए पार्टनरशिप विद IRCTC टू टच सॉरी माफी चाहता हूँ टू लॉन्च IRCTC HDFC क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए व्हिच प्रोवाइड एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑन बुकिंग थ्रू IRCTC वेबसाइट ऐप लॉन्च एक्सेस एंड बिसाइड्स अदर्स। इसका मतलब आप सभी जानते हैं हम इंडिया में हमेशा क्या करते हैं, इंडियन लोग हमेशा डिस्काउंट ढूंढते हैं, कहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, कहाँ पे कम पैसा मिले लगेगा। जर्नी तो हम कंफर्टेबल चाहते हैं, प्रोडक्ट तो हम बड़े से बढ़कर चाहते हैं, मगर हमेशा डिस्काउंट में प्रोडक्ट चाहते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे कंपनी ने लेके आया, और वो भी कौन लेके आया, HDFC क्रेडिट कार्ड। देखिए आप आम जो आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड हो है उसमें से आप टिकट बुक कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, छोटा मोटा डिस्काउंट मिल सकता है। तो HDFC ने क्या किया, IRCTC के लेकर एक इंडिविजुअली क्रेडिट कार्ड बना दिया जो नाम है IRCTC HDFC क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड के माध्यम से आप जब टिकट बुकिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, और वो भी आप कोई भी ऐप से, कोई भी वेबसाइट से, कोई भी ऐप, कोई भी थर्ड पार्टी के माध्यम से भी आप टिकट बुकिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो यही चीज़ पहले कौन करते थे, आप देख सकते हैं अर्लियर IRCTC हैज़ ओनली पार्टनर विद SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रैवल सेगमेंट ऑन द कार्ड सॉरी ऑफ द कार्ड। इसका मतलब इस तरीके से कार्ड पहले से ही बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया के दो लीडिंग PSU बैंक है, दो बैंक पहले से ही कोलाबोरेट करके काम कर रहा था। अभी कौन एंटर बनने वाला है, HDFC बैंक। तो देखिए मैं बार बार आपको इसीलिए HDFC बैंक के बारे में इसीलिए बात करता हूँ, क्योंकि देखिए बड़े कंपनी लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी हमेशा थिंकिंग यही रखते हैं कि हर कोई सेगमेंट में, छोटे 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 सेगमेंट में भी वो एंटर हो जाए। देखिए एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जो लोग बिजनेस करते हैं वो तो जानते ही है, जो लोग बिजनेस नहीं करते उसको मैं एक चीज बता दूं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम जब बड़ा होंगे ना, आप देखेंगे आपके पास कितना प्रॉब्लम था वो आपने सॉल्व किया और आपके पास कितने कस्टमर आपके पास में आ गया। तो यही चीज बड़े बड़े बैंक करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज करते हैं। तो HDFC बैंक मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका थिंकिंग थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग दिशा से है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि IRCTC के ऊपर एंटर हो चुके हैं कि बाकी कंपनी एंटर नहीं होगा, अभी धीरे धीरे करके देखना बाकी सारे कंपनी से एंटर हो जाएगा। तो अभी देखना बाकी है कि किस तरीके से कोलाबोरेट करते हैं IRCTC HDFC के साथ, जिस तरीके से SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा करते हैं, क्या IRCTC से HDFC को फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए हर कोई अभी ऑनलाइन से टिकट बुकिंग करता है, अगर आपको पता चल गया कि IRCTC HDFC बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो आप कल ही जाके HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करके कार्ड ओपन कर सकते हैं। देखिए आप कहेंगे सर मैं तो साल में एक बार भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो इसके लिए मुझे कार्ड का क्या जरूरत है। देखिए आपके पास कार्ड नहीं हो तो क्या हुआ, आप जिस एजेंसी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर मत सॉरी टिकट बुकिंग करेंगे तो वो तो पहले से कार्ड बना कर रखेंगे ना। तो बिजनेस मॉडल सब समझिए, देखिए बिजनेस मॉडल आप समझते नहीं तो इसीलिए आपको बहुत बड़ा दिक्कत आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप अलग थिंकिंग के सोचेंगे, अलग थिंकिंग से सोचेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा स्टॉक मार्केट से अर्निंग करने के लिए। देखिए मैं किसी स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन तो नहीं करता हूँ, मैं किसी स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन भी नहीं करना चाहता। देखिए आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, आप इतना स्मार्ट है तो उस हिसाब से काम करिए। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, आपके पास HDFC IRCTC कौन सा शेयर है मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।